₹10 का स्विच लगा के आप बाइक जो है चोरी से बचा सकते हैं। आज तक कल भाई बहुत क्लेम आ रहा है कि बाइक जो है चोरी हो जा रही है। चाबी आप ऑन हैंडी लॉक करके जाते हैं बाइक, कोई आता है मास्टर चाबी लगाता है, गाड़ी को लॉक टूटता है लेकर चल जाता है। लेकिन ये जब स्विच लगा दीजिएगा तो ना ही इसका सेल्फ काम करेगा ना ही किक काम करेगा, कुछ भी से स्टार्ट नहीं होगा भाई। 1,02,00,000 रुपये आप बाइक खरीदते हैं, ₹10 का स्विच आपको समझना चाहिए कि भाई कैसे लगाना है। आज की वीडियो हम यही बात करेंगे कि इस स्विच को है कैसे लगाना है और कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें हम लगाएंगे तो ना ही ये बाइक सेल्फ से स्टार्ट होगी और ना ही किक से स्टार्ट होगी। बस ये चीज़ आप लगाइएगा तो आपको पता होना चाहिए, उसके अलावा किसी को भी पता नहीं होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। नहीं तो भाई वो चीज़ के बारे में पता रहे तो कोई भी स्टार्ट कर देगा। ये लगाना है कैसे लगाना चलिए दिखाते हैं। उससे पहले भाई हमारे वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत से ऐसे भाई हैं जो हैंडी लॉक तो लगा देते हैं, कोई चोर आता है मास्टर साहब लगाता है और गाड़ी का हैंडी लॉक तोड़ उसको लगाना के समय यहाँ पर लगा देगा। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे जो इसका स्विच है ये किस तरीके से, और ये कहीं ऐसे जगह लगाएगा जिसके बारे में दूसरा किसी को नॉलेज ना हो कि ये स्विच जो है लगा हुआ है, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए। कि देखिए यहाँ पे हमने भाई इसको जो है यहाँ पे जो एथी दुकान रहता है वो रेडियो ओडियो वाला वहाँ से हमने इसको लिया है। और यहाँ पे देख लीजिए ये स्विच ऐसा है कि कहीं भी आप इसको जो चिपका सकते हैं, ये चीज़ आपको पता नहीं है, यहाँ पे चिपका सकते हैं, यहाँ पे चिपका सकते हैं, कहीं भी चिपका सकते हैं। तो हम बता दे रहे हैं कि आपको कहाँ से कनेक्शन करना है, उसके बाद आप इसको कहीं से भी चिपका सकते हैं, मतलब कहीं से भी इसको लगा सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम सबसे पहले इसका टंकी उतारेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ पे किस कनेक्शन में इसको करेंगे हम, जिसकी वजह से ना ही सेल्फ से स्टार्ट होगी ना ही से किक से स्टार्ट होगी। जब तक इसको हम यहाँ से देखिए यहाँ से ऑन ऑफ नहीं कर दें, यहाँ से ऑन ऑफ होता है, ये देखिए ऑन ऑफ यहाँ से होता है। तो हम इसका सीट जो है पान खोलेंगे और दिखाएंगे कहाँ से आपको कनेक्शन करना है, ध्यान से देखिएगा भाई, क्योंकि आप लोग बाइक हैंडी लॉक तो करते हैं, कोई मास्टर साहब लेकर आता है गाड़ी चोरी करके ले जाता है, तो भाई ध्यान रखिएगा, बहुत ही पैसा कमाने में मेहनत लगता है। तो हम चाहते हैं कि वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तक कि जो है आपकी बाइक चोरी से बच सके। तो चलिए यहाँ पे सीट पैनल हम इसका उतारते हैं। तो चलिए यहाँ से हम टंकी को ओपन कर लेते हैं, इसको उतार लेते हैं, नीचे उतार लेते हैं। और भाई देखिए कनेक्शन आपको कहाँ से करना है, सबसे आसानी कर सकते हैं आप भाई, खर्चा बचा सकते हैं चोरी से, चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब देख लीजिए भाई यहाँ पे कनेक्शन हम जो है कहाँ करेंगे, मैं यहाँ पे कनेक्शन इसका दिखा दूँगा, कनेक्शन जो है किस तरीके से करना है। भाई कनेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए जिनके बारे में दूसरा किसी को नॉलेज ना हो, ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। आप कुछ कनेक्शन कुछ ऐसे कीजिएगा, कुछ ऐसे जगह इसको फिटिंग कीजिएगा कि जिसके बारे में किसी की भी जानकारी ना हो, और किसी को आप बताइएगा भी मत, क्योंकि अगर किसी को बता रहे हैं आपने फिर भी नंबर को बताइएगा ताकि आपके बाइक स्टार्ट कर सके, लेकिन दूसरे किस बाइली आदमी को आप मत बताइएगा। तो यहाँ से हम दो तार लेंगे और दोनों तरफ इसको ज्वाइंट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम इसको ज्वाइंट कर लेते हैं, यहाँ से इसको लगा थोड़ा दाब देंगे, अभी ज्वाइंट हो गया। इसमें देखिए यहाँ पे सोल्डिंग करने का सख्त नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ज्वाइंट हो गया। दूसरा वाला लेंगे हम ये वाला साइड पे, इसको थोड़ा हम मोड़ लेते हैं, यहाँ पे बाहर तरफ मोड़ना है आपको, अंदर तरफ नहीं मोड़ना है। और यहाँ पे हम लेंगे यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे हो गया, ऐसा लग रहा है कि हमने इसको सोल्डिंग किया है देखिए। और यहाँ पे काम कैसे करते हैं आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप शायद आपको आवाज़ आ रहा होगा चुट चुट का, ऐसे काम करता है। तो यहाँ पे हम इसको जो है बढ़िया तरीके से इसको मोड़ लेते हैं ताकि ये ढीला ना हो, अभी ये सही है ढीला नहीं होगा। अब देखिए इसको आप कुछ ऐसे जगह लगाइएगा जहाँ पे एडजस्ट हो जाए, मान लीजिए हमको टंकी इसका खोलना है तो लगाते टाइम हमको मान लीजिए टंकी उतार टाइम इसको ना हटाना पड़े, कुछ ऐसे जगह जैसे कि आप यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर इसका बक्स में लगा सकते हैं, यहाँ पर चेंबर में लगा सकते हैं, यहाँ पर पीछे जो इसका पैनल रहता है यहाँ पर आप लगा सकते हैं, मतलब इसको कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगाने का आपको सुविधा मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा जगह लगेगा जिससे कि सिर्फ आपको जानकारी हो, भाई मैं यही बताना चाहूँगा कि सिर्फ इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, दूसरा किसी को जानकारी नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप बाइक कहीं भी लॉक भी करके चल जाएंगे, कोई भी चोर आएगा बाइक आपके स्टार्ट नहीं कर पाएगा, जब भी लग जाएगा ठेल के ले जाएगा लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाएगा, हैंडी लॉक नहीं टूटा फिर भी नहीं बाइक आपके जाएगा। जब तक ये स्विच आप ऑन नहीं कीजिएगा ना ही आपकी बाइक सेल्फ से स्टार्ट होगी ना ही किक से स्टार्ट होगी। हम यहाँ पर लगाएंगे और लगा के इसको स्विच ऑन करेंगे बाइक स्टार्ट नहीं होगी, ऑफ़ करेंगे बाइक स्टार्ट हो जाएगी, ऑन करेंगे बाइक ऑफ हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आपको कहाँ लगाना है, हम यहाँ पे लगा दिखा देते हैं कि हम जो है कहाँ पे लगा रहे हैं। तो हम इसको भाई लगाएंगे यहाँ पे बॉक्स में, अब बॉक्स में लगाने से क्या होता है यहाँ पे किसी भी भाई का ध्यान नहीं जाता, देखिए यहाँ पर लगाएंगे यहाँ पर किसी के भाई ध्यान नहीं जाता है, हम सिर्फ यहाँ पर अंग डालेंगे यहाँ से इसका लॉक जो है ऑन कर देंगे, यहाँ पर ऐसे अंग डालेंगे बैठ के गाड़ी पर ऐसे चुटसीना ऑन कर देंगे। तो देखिए कनेक्शन कहाँ करना है, यहाँ पर देखा यहाँ पे जो इसका पिकअप कॉइल है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो इसका पिकअप कॉइल का तार रहता है इसको हम बाहर निकालेंगे, यहाँ से बाहर निकाल दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम थोड़ा सा यहाँ पे कट कर देंगे। तो देखिए उससे एडजस्ट करने पहले हमको क्या करना है, उसको साटना है कहीं पे, उसको कसना नहीं है। तो यहाँ से हम उसका थोड़ा सा टूर लेंगे जो वहाँ पर उसमें उतना साइज का आ जाए, यहाँ से टूर लेंगे थोड़ा। चलिए इसको हम कट कर लेते हैं।
हम चाहते हैं कि पूरा आप देख लें, आपको सेटिंग समझ में आ जाए, इसीलिए जो भी छोटा छोटा चीज़ है सब हम आपको दिखा रहे हैं ताकि जो है आप आसानी से लगा सकें उसे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसे इसमें साट लेंगे, एलपी की मदद से इसमें साट लेंगे, इसमें साट लेंगे और ए वाला ऊपर जो है उसमें साट देंगे। तो यहाँ पर हम लिए एलपी, अब यहाँ पर हम लिए एलपी, अब इस पर क्या करेंगे, इसमें नहीं आपको साटना है, यहाँ पर इसे रख लेना है, थोड़ा सा इसमें एलपी गिरा, थोड़ा सा इसे एलपी आपको गिरा देना है। देखिए अभी गिर गया, अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे इसे लेंगे, यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे अभी ये सट जाएगा, अभी इसमें पकड़ लिया, थोड़ा इसको हम झुरा जाने देंगे और यहाँ से जितना भी है हम साइड से इसको टेप मार लेंगे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टेप मार लेंगे। तो चलिए दोस्त, यहाँ पे हमने इसको जो है देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी इसको जो है यहाँ से हमने जो भी यहाँ पे टेप मार लिया, इसको टेप यहाँ पे लगा लिया लबड़। अब इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा एलपी डालेंगे, ऐसे ऐसे हम डाल दिए यहाँ पे एलपी। अब इसको हम जहाँ चाहें तहाँ लगा सकते हैं, जहाँ आपकी मर्जी करे तहाँ आप अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हमको लगाना है यहाँ पे, मतलब कोई दिखे ना तो हम यहाँ पे इसको लगा देते हैं। अभी यहाँ पे इसको हम थोड़ा जो है साट लेते हैं, थोड़ा इसको छोड़ देते हैं ताकि जो अच्छी तरीके से यहाँ पर टच हो जाए, उजरे ना यहाँ पर। और फिर इसका क्या करेंगे, थोड़ा एलपी इसमें डाल देंगे यहाँ। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका साउंड सुनिए आप, ये जो है साउंड ये कैसे करता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चट चट का आवाज़ करेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका तार हम थोड़ा सा कट करेंगे, और तार कट करने के बाद यहाँ पे आप ब्लैक तार ही लगाइएगा, यहाँ पे रेड तार मत लगेगा, नहीं तो रेड ये जो है दिखने लगता है। अगर रेड तार लगा रहे हैं तो यहाँ पर टेप मार के पूरा ब्लैक कर लीजिएगा ताकि ये जो है दिखे ना, यहाँ पर अंदर है देखिए। अब यहाँ से हमें दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर टंकी लगा दूँगा, तो यहाँ पे यहाँ जब तार ऊपर हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं दिखेगा, देखिए कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस यहाँ से तार जो है यहाँ से कट करेंगे, हम देखिएगा यहाँ से कट किए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मैल लेंगे, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे छील लेंगे इसको, यहाँ पे छीलिए। अब क्या करेंगे, एक वायर जो है इसका इसमें जोड़ देंगे, यहाँ पे देखिएगा ये हो गया, ये लग गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वायर लिया इसका, एक बार यहाँ पे इसको टेप कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे लगा देंगे, एक बार लेंगे यहाँ पे, और इसमें हम जो कट किए थे इसमें दो बार है, तो एक बार हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, एक बार यहाँ पे। अब देखिए ये वाला जो यहाँ से कनेक्शन था इसका कट हो चुका है, दूसरा कनेक्शन स्विच में हो गया, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, देखिए अभी इसको टेप मारने से पहले मैं यहाँ पर बाइक स्टार्ट कर दिखाता हूँ। अभी बाइक स्टार्ट होगी और यहाँ पर हम जैसे स्विच इसका ऑफ करेंगे बाइक बंद हो जाएगी, चाबी आपका ऑन रहेगा फिर भी बाइक बंद हो जाएगी। अभी देखिए बाइक चालू है, एक्सेलरेटर लो, मैं बाइक चला रहा हूं ताकि आप देखिए, जैसे इसका बटन यहाँ पे देखिए बाइक बंद हो गई, बाइक तुरंत बंद हो गई। अभी किक मारो, अभी बाइक चालू नहीं, देखिए अभी बाइक एक भी चालू नहीं होगी। अभी यहाँ से हम बटन ऑन करेंगे, किक मारते रहो बटन, देखिए ऑन करेंगे बाइक चालू हो गई, कल करो देखिए चालू हो गई। फिर से यहाँ पे एक्सेलरेटर लो, कभी चालू है और चोर के बाप भी आ जाए तो भी बाइक जो है चोरी नहीं कर सकता, यहाँ पे बाइक चालू है। और देखिए यहाँ पे हम जस्ट हम स्विच इसका दबाएंगे, यहाँ पे देखिए बाइक बंद हो गई। अब चालू करो, चालू करो, अब कितना भी चालू होगा बाइक, लेकिन भाई स्टार्ट नहीं होगा, देखिए किक मारो, देखिए।